नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। किन्नर का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने एक अलग सा चेहरा आ जाता है। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में जो दर्जा उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। कई सालों के प्रयत्न के बाद उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा तो दिया गया। इससे पहले उनकी गिनती किसी भी क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया। किन्नरों के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इतिहास के अनुसार रामायण में जब राम वनवास को जाते हैं और जंगल में पहुंचने के बाद सभी से विदाई लेते हुए कहते हैं कि आप सभी नर और नारी वापिस अपने अपने घर को जाएं, तो कोई भी उनके पीछे न आए। प्रभु राम उस समय किन्नर का उल्लेख करना भूल गए। वहां पर कुछ किन्नर भगवान राम का इंतजार करते रहे। भगवान राम 14 वर्ष के बाद वापिस आते हैं तो रास्ते में उन्हें किन्नर मिलते हैं। तो प्रभु राम किन्नरों से पूछते हैं कि आप लोग घर क्यों नहीं गए? मैंने तो कह दिया था कि सभी नर और नारी वापिस अपने घर चले जाएं। तो किन्नर कहते हैं कि प्रभु, हम तो न नर हैं न ही नारी, हम कैसे जाते? किन्नरों के इस भक्ति भाव को देखने के बाद भगवान के आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने वरदान किया दिया कि तुम जिस भी किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद दोगे, उसकी हर इच्छा पूरी होगी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, और जिसे तुम श्राप दोगे उसका कोई भी खुशखबरी नहीं मिलेगी उसको। इसके अलावा और भी कई वरदान मिले थे। यह भी माना जाता है कि यदि किन्नर को कोई दफनाते हुए या जलाते हुए देख ले तो उसकी बहुत ही इच्छा पूरी हो जाती है। अतः यह बार बार सुनने में आता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिला है। हम भी आपकी तरह सुनी सुनाई बातें आपको बता रहे हैं। जो किन्नर दफनाने का या जलाने का समय होता है वह रात के 12 बजे होता है। अतः आप भी किन्नर को दुखी न करें, उनसे वरदान मांगे जब भी कभी मिले आपको। उनके आशीर्वाद लें कि मैं जिंदगी में सफल हूँ, कामयाब रहूँ। धन्यवाद। आशा करते हैं किन्नरों के बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।